यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, तो कृपया करके अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइबर। किसी के 1000 सब्सक्राइबर एक पल में हो जाते हैं, किसी के एक दिन में, तो किसी के एक मंथ में, पर मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। आई नो यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में, पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। जहाँ 1 साल पहले मेरे साथ 0 की फैमिली थी, आज 1000 से ज़्यादा लोगों की फैमिली मेरे साथ जुड़ चुकी है। तो कैसे मेरे दिमाग में YouTube पर वीडियो अपलोड करने का आइडिया आया और कितना स्ट्रगल मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में लगा, आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी 0 से 1000 सब्सक्राइबर तक की जर्नी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे सभी लोगों को घूमने का शौक होता है, बहुत डिफरेंट जगह घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वैसे ही मुझे भी फ़ोटो और वीडियो बनाने का शौक था। पर एक टाइम बाद या तो मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती थी या कभी मोबाइल में से फ़ोटो या वीडियो डिलीट हो जाती थी। ऐसे में मैं किसी जगह की मेमोरी इकट्ठी तो कर लेता था, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी बेस पर होती थी, परमानेंट के लिए नहीं। तो ऐसे में मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए। तो ऐसे ही कुछ टाइम बाद मैं यूट्यूब पर एक दिन वीडियो देख रहा था, तभी मैंने अपने दोस्त की वीडियो देखी यूट्यूब पर। वो सभी यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते थे। बस यहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे हम किसी जगह की वीडियो या फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं, लेकिन उस फोटो या वीडियो का पता नहीं होता कब गलती से मोबाइल में से डिलीट हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी किसी जगह की वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दूं, ताकि मेरे मोबाइल की मेमोरी भी फुल ना हो और ना ही मोबाइल में से वीडियो डिलीट होने का डर बना रहे। सच बताऊं तो YouTube बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहा मेरे लिए, क्योंकि YouTube पर मैं अपनी मेमोरीज परमानेंट के लिए सेव कर सकता था। बस यहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना किसी अच्छी जगह की वीडियो बनाकर उसके बारे में जानकारी देकर एक अच्छी तरीके से एडिटिंग करके YouTube पर अपलोड किया जाए, ताकि अगर कोई और भी मेरी वीडियो को देखे तो उसे उस जगह के बारे में सारी जानकारी मिल सके और वो बिना किसी दिक्कत के उस जगह पर घूमकर आ सके। और बस यहीं से मैंने YouTube पर वीडियो बनानी शुरू कर दी। शुरू में मुझे काफ़ी टफ लगता था, क्योंकि ना ही मुझे अच्छी तरीके से ब्लॉगिंग करनी आती थी और ना ही मुझे अच्छी तरीके से एडिटिंग करनी आती थी। आती तो अब भी नहीं है, खैर काम चल जाता है। आप मेरा सबसे पहला ब्लॉग देख सकते हो, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस गुरुद्वारा श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का है। इस गुरुद्वारे का ब्लॉग मैंने बिल्कुल ही सिंपल बनाया, सारी वीडियो को जोड़ दिया और पीछे गुरु जी का सॉन्ग लगा दिया एक। ये ब्लॉग देखकर आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि मुझे कितनी एडिटिंग आती थी। बेशक वो ब्लॉग मेरा सबसे हाईएस्ट व्यू वाला ब्लॉग। ऐसे ही मैंने बहुत सारे फेस्टिवल के ब्लॉग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए और ब्लॉग का लिंक अपने सारे रिश्तेदारों, अपने सारे कॉलेज के दोस्तों को सेंड करने लगा। तो इस तरह मोस्टली मेरे कॉलेज के सारे फ्रेंड को पता चल गया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, और जिनको नहीं पता था उनको मेरे दोस्तों ने वीडियो का लिंक शेयर करके बता दिया। तो इस तरह सारे कॉलेज के स्टूडेंट मुझे जाने लगे और मुझे सपोर्ट करने लगे। मैंने अपने कॉलेज में सेलिब्रेट हुए डिफरेंट फेस्टिवल के ऊपर भी ब्लॉग्स बनाए हैं, और भी मैंने बहुत सारे डिफरेंट यूनिक प्लेसेस के ब्लॉग शूट करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। और मैं हमेशा से ही अपनी वीडियो में डिफरेंट आइडिया यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। और आज आप सबके प्यार की वजह से हमारे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। ये 0 से 1000 तक का सफ़र कभी भी कंप्लीट ना हो पाता अगर आप सबका साथ मेरे साथ ना होता। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी तक आपको डिफरेंट यूनिक प्लेसेस की इंफॉर्मेशन देता आया हूँ, आगे भी आपको ऐसे ही देता रहूँगा। बस आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखना। लव यू गाइस।